अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं कि बाज़ार में आप कैसे पहचानें कि आपको जो स्टीविया मिल रहा है वो ओरिजिनल है या वो गलत है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उसमें मेरा फेवरेट स्वीटनर स्टीविया है। और स्टीविया को लेकर मैं गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि स्टीविया डायबिटिक्स यूज़ नहीं कर सकते, या वो लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स वो इससे, क्योंकि स्टीविया स्वीट होता है और जो आपका जिस्म है, आपकी बॉडी है, ये लोग कहते हैं ये सच नहीं है, गलत रिसर्च हैंगे। आपकी जो बॉडी है वो पहचान नहीं सकती कि जो उसको मीठा मिल रहा है वो उसको सिंपल शुगर से मिल रहा है, किसी और सोर्स से मिल रहा है। तो आपकी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है स्टीविया की तरफ भी, इस मीठे की तरफ भी, और आपकी ब्लड में शुगर उसी हिसाब से रेज होता है। ऐसा नहीं है, स्टीविया प्लांट बेस्ड स्वीटनर है। स्टीविया जो है वो सनफ्लावर की फैमिली से आते, 150 से ज़्यादा स्पीशीज हैं इसमें, और उसमें से दो मीठी हैं जिसमें से एक स्टीविया। और स्टीविया को हनी लीफ या कैंडी लीफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड स्वीटनर है तो बॉडी इसको ग्लूकोज की तरह परसीव नहीं करती और ये आपको शुगर स्पाइक नहीं देता। तो पॉइंट नंबर वन, कि वो लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ हैं, वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, जो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्रेविंग्स कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बल्कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उनके लिए ये बेहतरीन है। अब बात आ गई कि आपने कौन सा स्टीविया लेना और कौन सा नहीं लेना। नंबर वन, सफ़ेद स्टीविया नहीं लेना, बात ही खत्म हो गई। पाउडर वाला सफ़ेद स्टीविया नहीं लेना। वो जो सफ़ेद होते हैं उसमें केमिकल्स ऐड हुए होते हैं, और उसमें जिस अमाउंट में शुगर ऐड हुआ होता है ना, उतनी अमाउंट में जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि अगर उतना ऐड हुआ हो आप डब्बों पर ना लिखें, तो आप ले रहे होते हैं शुगर, ठीक है। और उसमें जो शुगर ऐड हुआ होता है वो डेक्सट्रान ऐड हुआ होता है, और जो डेक्सट्रान है आपके पास माल्टोडेक्सट्रिन, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज से भी ज्यादा है, यानी आप चीनी से भागने के लिए या टेबल शुगर से भी ज्यादा है, जो वाला मीठा ले रहे हैं वो आपका शुगर और ज्यादा रेज कर रहा है। बहुत सारे लोग इसी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वाले स्टीविया की तरफ। एक और भी इसकी पहचान होती है कि इसको लेने के बाद बस मीठा जायका ही रहता है। जो ओरिजिनल स्टीविया होता है उसको लेने के बाद हल्का सा बिटर स्वीट जायका आता है, वो भी ओरिजिनल स्टीविया की पहचान होती है। ज़्यादा लोग इस वाइट पाउडर वाले स्टीविया को इसे प्रेफर करते हैं कि इसमें वो कड़वे वाला वो ही नहीं आता, तो उनको अच्छा लगता, ठीक है, वो उसको लेते रहते हैं। लेकिन वो तो आपका प्रॉब्लम करता है, वो फिर वो वाला स्टीविया जो आपको प्रॉब्लम करता है। और मोर ओवर वो वाला स्टीविया बिल्कुल भी ना खरीदें जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल फ्लेवर्स, एडिड फ्लेवर्स, ये दो भी आपके पास रेड फ्लैग्स हैं। वो नेचुरल फ्लेवर और एडिड फ्लेवर कुछ भी नहीं है, वो नेचुरल फ्लेवर और एडेड फ्लेवर जो आपके पास चीनी है। अब बात आ गई कि आपने स्टीविया लेना कौन सा। आपने स्टीविया वो लेना है जो ग्रीन है, जो लीफ बेस्ड है और बेस्ट होता है। ये नहीं कि मैंने निकाला है, मैंने निकाला इसलिए क्योंकि वो बेस्ट होता है। तो आप अगर मेरी पिछली वीडियोस भी देखें, मैं पहले भी उसमें 2-3 साल पहले भी यही बात कर चुकी हूँ, जब मुझे पता भी नहीं था मैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगी। तो लॉन्च मैं वो चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि मैंने लॉन्च की हैं तो ले लें, ठीक थी जो तो वो ठीक पकड़ पकड़ के मैंने लॉन्च की हैं, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। सो ग्रीन लीफ बेस्ड पाउडर फॉर्म वो बेस्ट स्टीविया होता है, वो एक्चुअल पत्ता होता है जो आपको मिलता है, और वो वाला स्टीविया है जो आपने मार्केट से ख़रीदना है। और उसके 1 टेबलस्पून में हार्डली जो है आपके पास 2 कैलोरीज होती हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में आप उसके 2-3 टेबलस्पून ले सकते हैं, और ब्लड शुगर भी नहीं रेज करता, बल्कि उसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको डिजीज़ से बचाते हैं। मेरी ब्रांड www.holisticwisdombysaharchawla.com पर इंशाल्लाह बुध से स्टीविया अवेलेबल होगा फॉर शिपमेंट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। बाकी भी आप और जाके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आई सी यू ऑल अगेन विद यट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।